डालना। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मेरे बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, कैसा हमारा पूरा परिवार। तो देखिए, वीडियो जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। तो देखिए, मौसम ने घर का क्या हाल बना दिया है। पूरा ऐसे हमें साफ करना पड़ा था और हमारा वाइपर भी खराब हो चुका था। और फिर देखिए, साफ सफाई करने के बाद इसके बाद आ गए हैं जो शाम को हमारे यहाँ ये छोटा सा हम घड़ा लाए, कलश बोल लीजिए, घड़ा मिला ही नहीं है। लेने गई थी सासूमा लेकिन नहीं मिला, तो ये छोटा सा कलश मिला है। तो इसमें 7 बार करके ये पीला धागा बांध देंगे। हमारे यहाँ इसी तरीके से अक्षय तृतीया के दिन यानी अक्ती के दिन किया जाता है। तो धागा बांधकर बस इसमें घर की जो लड़कियाँ होती हैं वो पानी भर देती हैं और चने की दाल फुला दी जाती है। उसको हमने पहले ही फुला दिया था। तो देखिए, यहाँ पर हमारी बेटी जो है इस घड़े पे पानी भर रही है। 2 घड़ों में भरा जाता है। तो एक हमने लोटा ले लिया है और एक वो कलश भर कर इसके बाद जाएंगे तो भगवान जी जो पास में मंदिर होता है वहाँ ये पानी डाला जाता है और जो चने की दाल होती है वो सभी भगवान जी पर चढ़ाई जाती थी। मेरी छोटी बेटी है ये जा रही है और साथ में मैं भी इसके साथ जा रही हूँ। तो जा रहे हैं, पास में हमारे यहाँ शंकर भगवान का वो ब्रह्मदेव बाबा है, पीपल का पेड़ है, वहाँ शंकर भगवान भी है। और देखिए, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये है पेड़, यहाँ पर शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति है, उसी पर जल चढ़ाएंगे और ये दियुल उसी पर डाले जाएंगे। तो हमारे यहाँ अक्षय तृतीया के दिन इसी तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। सभी लोग आते हैं और सभी लोग ऐसे डालते हैं। और फिर शाम के समय बहनें अपने भाई को शरबत पिलाती हैं, लेकिन अब तो मॉडर्न ज़माना है तो शरबत की जगह लोग कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। लेकिन शरबत तो सबसे अच्छा रहता है क्योंकि घर में ही बनाया जाता है। नींबू पानी तो वैसे भी गर्मियों में फ़ायदा ही करता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग के यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। चलो, ध्यान नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। ए छोटा सा बछड़ा कितना प्यारा है, छोटी से बछड़ा कितना क्यूट है। जाई का गगरी लेके निकल रहा है, जाई का बहुत अच्छा का डाल चल का है कोई देव का लेके डाल नहा दे वहीं छोटा पावन के आधार पे। चलो डालो, अरे बंद हो गया क्या? बंद हो गया, अब अच्छा देखो। मंदिर हमारे घर के पीछे शंकर भगवान जी का और है तो वहाँ भी लेके गए थे। और देखिए कितने सारे यहाँ दियुल पड़े हुए हैं यानी चने की दाल फूली हुई। सभी लोग आते हैं और सभी लोग इसी तरीके से हमारे यहाँ मंदिरों में डाल जाते हैं और भगवान जी को स्नान कराकर जो लोटे का पानी होता है उससे स्नान कराकर जाते हैं। ये जलाहरी ना, देखिए सभी मंदिरों में ये जल डालकर आ गए हैं और चने की दाल। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।